राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ आज बातचीत करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानेंगे बच्चों की कहानियां। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री महेंद्र भाई भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड बीजेपी में कलह जारी, 11 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई पार्टी। आज बीजेपी खोल सकती है अपने पत्ते। पंजाब में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच आ सकती है दरार। कैप्टन के समर्थकों ने की ज्यादा सीटों की मांग। मतभेद के बीच आज होगी बीजेपी की बैठक। गोवा में आम आदमी पार्टी का डिजिटल प्रचार, वर्चुअल रैली के जरिए केजरीवाल करेंगे संबोधित, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय की याचिका पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के आदेश को दी है चुनौती। महामारी के बीच महाराष्ट्र सरकार ने दी पाबंदियों में ढील, सूबे में आज से खुलेंगे स्कूल, पुणे में चलेगी ऑनलाइन क्लास। राजस्थान में गहलोत सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। शादी में 100 लोग हो सकेंगे शामिल, आज से लागू होगा नया नियम। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, राजपथ पर तैनात होगी कई टीमें, आज से बॉर्डर पर चेकिंग होगी सख्त। रेल यात्रियों को होगी परेशानी, आज करीब 20 ट्रेनें कैंसिल, कई गाड़ियों का बदला गया समय, बढ़ते कोहरे की वजह से लिया फैसला। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी, मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड, आज भी कई राज्यों में बारिश होने के आसार।